Hey guys, this is me Baba and this is my second vlog। तो दोस्तों आपने मेरा फर्स्ट vlog देखा ही होगा जिसमें हम जो थे चिल्का झील में और आज हम यहाँ से जा रहे हैं भारत की चार धामों में से एक जगन्नाथ पुरी। तो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि पुरी सुरक्षित और लोकप्रिय भारतीय समुद्र तटों में से एक तथा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई एक सुनहरी रिज पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध है और समुद्र तट प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है को हम जगन्नाथ पुरी के नाम से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज की इस वीडियो की जर्नी की शुरुआत जो है चिल्का झील के किनारे एक बाईपास रोड से करते हैं। तो मेरे साथ इस सफर में बने रहिए, मैं मिलता हूँ आपको सीधे पुरी के समुद्र किनारे जहाँ आप खुद को पाओगे समुद्र के साथ। तो कैसे हो दोस्तों, अभी जो है दोपहर 3 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं भारत के चार धामों में से एक पुरी और आप देख पा रहे होंगे समुद्र से उड़ती लहरों और प्राकृतिक सौंदर्य को। यहाँ पाओगी कि पुरी के समुद्र तट जहाँ से स्टार्ट हुए हैं वहाँ से पूरे समुद्र के किनारे सड़कें बनी हैं और समुद्र के जस्ट सामने बहुत ही अच्छे अच्छे लॉज और होटल हैं जहाँ का किराया भाई बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये समुद्र बीच के किनारे हैं और यहाँ हमेशा ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है, ऐसा महसूस होता है खास में जिंदगी की शुरुआत यहाँ से करो। बात करें समुद्र की तरफ तो आप पाओगे कि यहाँ के समुद्र लहरों के साथ सुकून और कई प्रकार के बोट और छोटे छोटे तंबू हैं जहाँ लोग बैठकर समुद्र का मजा उठाते हैं। आपको नहाते हुए कुछ लोग भी दिख जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ के सुनहरे रेत जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ इवनिंग में जो है नेक्स्ट लेवल माहौल होता है, सभी लोग यहाँ इवनिंग में टहलने और पार्टी करने आते हैं और बहुत लोग यहाँ जो है मस्ती करने के लिए आते हैं। तो इस बीच में कई तरह के ठेले लगे हैं जो इवनिंग में बहुत चलते हैं क्योंकि इवनिंग में लोगों की संख्या बहुतायत में होती है। और एक बात बताना भूल जा रहा हूँ दोस्तों कि आपने यहाँ जो है सड़क पर आते हुए बहुत से लोग देखे जो छाते के साथ हैं। छाते के साथ वो इसलिए है क्योंकि समुद्र तट में कभी भी बारिश हो जाती है। तो दोस्तों आप जो है यहाँ देख पा रहे होंगे समुद्र किनारे, इसी को हम गोल्डन बीच के नाम से जानते हैं। यहाँ लाखों की तालाब में जो है सैलानी स्नान करने आते हैं और मस्ती करने आते हैं। और यहाँ कई तरह के चिड़िया जैसे कौवा कबूतर पाए जाते हैं, आप वीडियो में देख सकते हो। और यहाँ के समुद्र लहरों को उड़ती हुई आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ दोस्तों वहाँ लिटरली भाई बहुत ही ठंडी हवा आ रही है, मजा आ जा रहा है। दोस्तों आज यहाँ रुकने के लिए जो है हमें लॉज मिल चुकी है, यहीं से हम गोल्डन बीच में नहाने के लिए
जा रहे हैं और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज से पहले मैंने कभी समुद्र में नहीं नहाया और ना मैंने समुद्र देखा इससे पहले, और मेरे दोस्त भी बहुत एक्साइटेड हैं और जहाँ तक मुझे पता है आप लोग भी बहुत ही एक्साइटेड होंगे। तो चलिए चलते हैं और समुद्र से दोनों हाथ लगाते हैं और मजा करते हैं। तो बने रहिए इस समुद्र में, मजा उठाते रहिए। आज दोस्तों मैं बहुत नहा लिया, तकरीबन 2-3 घंटे नहा लिया, तो हमें मंदिर भी जाना है, तो इसलिए जल्दी से चलते हैं होटल की तरफ और जल्दी से रेडी होंगे और निकलेंगे जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए। तो दोस्तों हम जो है जगन्नाथ मंदिर पहुंच चुके हैं, यहीं से जो है रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी पूरे भारतवर्ष में और इसका इतिहास जो है बहुत इंटरेस्टिंग और अनोखा है। यह मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, आप यहाँ के भीड़ को देख के अनुमान लगा सकते हैं। इस मंदिर के अंदर जो है खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती और यहाँ मोबाइल और जो है कैमरा अलाउ नहीं है। यहाँ जो है प्रतिदिन हज़ारों और लाखों लोग जो है जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, और आज का व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट कीजिए, और आपने हमें अभी से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, ताकि आपको मेरी हर वीडियो पहले ही मिल जाए। तो थैंक यू गाइस एंड सी यू सून, हैव अ नाइस डे।